हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है माय प्रोजेक्ट इज डिगो। फ्रेंड्स, हमारे सीरीज में हमारा एक ट्यूटोरियल चल रहा है एंड्रॉइड डेवलपमेंट विथ रिएक्ट नेटिव, और आज हमारा ट्यूटोरियल पार्ट 7 है, जिसमें आज हम इसकी बेसिक फ्लेक्स स्टाइल्स देखेंगे। हमने इसके प्रीवियस वीडियो में इसकी बेसिक स्टाइल देखी थी, जिसमें हमने इसके फॉन्ट से रिलेटेड ऑपरेशन, देन इंटरनल और इनलाइन सी एस एस देखी थी। आज हम इसमें फ्लेक्स देखेंगे, फ्लेक्स बेसिकली होते क्या है रिएक्ट नेटिव में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें फ्लेक्स डेकोरेशन। तो फ्लेक्स डेकोरेशन की कुछ प्रॉपर्टी होती है, पहली होती है रो, देन उसके बाद में रो रिवर्स, देन कॉलम, कॉलम रिवर्स, देन स्पेस बिटवीन। तो हम वन बाय वन इन सभी को अप्लाई करेंगे। तो हम सबसे देख लेते हैं हमारा प्रीवियस आउटपुट जो हमारी आ रहा था, तो हमारा प्रीवियस आउटपुट किस तरह से आ रहा है। आज हमें इन सभी प्रॉपर्टीज़ को इस पर अप्लाई करके देखना है। तो सबसे पहले हमें इसकी जो भी बेसिक सारा डेटा है वो हम रिमूव कर देंगे हमारा, देन इसको हम नॉर्मल कर देते हैं जैसा हमारा कोड बेसिक होता है। नहीं, इसे भी हम कर देंगे रिमूव। ये हमारी ये बेसिक रन हो रही है, देन ये आउटपुट आ चुका है जिसमें हमारा जो भी कंटेंट है वो हमें नॉर्मल विजिबल हो रहा है। तो हम अभी किसी भी तरह की इसमें डिफ़ॉल्ट जो प्रीवियस कोडिंग जो हो चुकी है हम उसका यूज़ कुछ भी नहीं करेंगे, सब कुछ हम क्रिएट करेंगे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। तो इससे हमें हमारा जो आउटपुट है वो हमें प्रॉपर मिलेगा। तो ये हमारी ऐप रन हो रही है, देन रन होने के बाद जो कंटेंट है वो एकदम अलाइनमेंट आप देखिए। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो आपको यहाँ पर कंटेंट विजिबल हो रहा होगा, जो हमने लिखा था वो हमें यहाँ पर टॉप पर दिख रहा है। तो अब हम इसे स्टाइल करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर सारी इसकी स्टाइल जो थी वो सभी हटा दिए, इस कारण ये यहाँ पर जा चुका है। तो अब इस पर हम फ्लेक्स डिज़ाइन करते हैं। तो फ्लेक्स बेसिकली ये आपका जो पूरा बॉक्स है इसे फ्लेक्स कहते हैं, ये जो स्क्रीन दिख रही है आपको इसे फ्लेक्स कहते हैं, देन इसके अंदर हम डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले हमारा लिखा हुआ है, तो हम इस पर लिखते हैं। तो ये हमारा है स्टाइल डॉट कंटेनर, तो हम स्टाइल डॉट कंटेनर पर को इनेबल करते हैं, देन इसको देंगे हम फ्लेक्स वन, कि हमारी जो पूरी स्क्रीन है उस पर वन फ्लेक्स है। देन उसका हमने बैकग्राउंड कलर वाइट किया हुआ है, देन हमने कंटेंट हटा देते हैं इस कंटेंट को, हमें इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। देन इसका आउटपुट देखेंगे हम, देन ये कुछ इस तरह से आ रहा है। एंड इसके अंदर हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ बनाएंगे, मल्टीपल व्यू बनाएंगे, तो हमें लिखेंगे व्यू, देन इसको हम देंगे, हम इन पर स्टाइल दे देंगे, हम इस पर इनलाइन स्टाइल देंगे, देन इसकी जो विड्थ होगी वो हम देंगे 50, देन इसकी जो हाइट होगी वो भी हम देंगे 50, और बैकग्राउंड कलर हम इनको दे देंगे, पहले को हम देंगे रेड, देन इस पर लिख देंगे हम रेड, और इसे ही कॉपी करेंगे हम यहाँ से। ब्लू ब्लू ग्रीन, देन इसे हम सेव करते हैं, वो उसका आउटपुट चेक करेंगे। एंड हमें एरर मिली है, टेक्स्ट स्ट्रिंग मस्ट बी रेंडर विद इन ए, देखते हमने क्या गलती की है। तो ये हमारा व्यू ब्लॉक है, देन यहाँ क्लोज होता है, देन उसके बाद हमने यहाँ पर ऐसे कंटेनर के अंदर कवर किया है, एंड विड्थ है एंड हाइट इसको हमने इस तरह से दिए के, एंड कहीं प्रॉब्लम तो नज़र आ नहीं रही है। एक बार सिंगल ब्लॉक ओके, यहाँ पर ये देखिए इस तरह से हमने किया हुआ है, ऐसे ऐसे हम डायरेक्ट नहीं दे सकते, हमने इसे टेक्स्ट में देना होगा। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे टेक्स्ट क्लॉज टेक्स्ट, देन यहाँ पर हम देंगे रेड, एंड इसे हम ऐसे कॉपी करेंगे,
ब्लू ग्रीन देन इसे हम सेव करते हैं। इसका आउटपुट आप देख पा रहे हैं हमें तीन ब्लॉक मिल चुके हैं, यहाँ पर रेड ब्लू और ग्रीन हमें तीनों ब्लॉक मिल चुके हैं। अब हम इन पर वन बाय वन हमारे जो इफेक्ट है वो हम अप्लाई करेंगे। तो आप देख चुके थे हैं ये भी वन बाय वन एक के नीचे एक आ रहे हैं, ये कॉलम वाइज आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर आएंगे और सबसे पहली हमारी प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे। तो हम फ्लेक्स डेकोरेशन देंगे, ये हम लिखेंगे फ्लेक्स डेकोरेशन। देन इसे हम करेंगे सबसे पहले रो, देन रो का इफेक्ट आप देखेंगे इसे। तो ये रो वाइज अरेंज हो जाएंगे, इसका डिफॉल्ट मैंने बोला था कॉलम था, अब ये रो के अकॉर्डिंग अरेंज होंगे। सॉरी डायरेक्शन है, डेकोरेशन नहीं है, डेकोरेशन नहीं होगा। फोन डायरेक्शन देखिए इसकी जो है रो वाइज हो चुकी है, पहले कॉलम वाइज थी। अगर मैं इसे अभी मैंने यहाँ रो दिए एंड अगर मैं इसे कॉलम दे दूंगा तो जो हमारी डिफॉल्ट थी वो हो जाएगी कॉलम, जो इसकी डिफॉल्ट थी। हमने कोई डेकोरेशन प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं की थी, तब जो हमें विजिबल हो रही थी हमें वही विजिबल होगी। देन अगर हम इसे रो कर देंगे तो रो करने से रो वाइज शो होगी। इसे हमने रो किया तो ये हमें रो वाइज विजिबल होगी। एंड इसे अगर हम कर देते हैं रो रिवर्स, देन इसका हम आउटपुट देखते हैं अगर, तो ये हमें रिवर्स ऑर्डर में शो होंगे, मतलब अभी ये यहाँ से आ रहे थे अब ये यहाँ से आएंगे। और अगर हम इसे कॉलम रिवर्स कर देते हैं तो ये कॉलम वाइज रिवर्स ऑर्डर में शो होंगे हमें बॉटम से टॉप की तरफ। ये देखिए ये हमें बॉटम से टॉप की तरफ रिवर्स ऑर्डर में शो हो रहे हैं। तो आप रो कॉलम एंड रो रिवर्स एंड कॉलम रिवर्स का यूज़ इस तरह से कर सकते हैं आप इन्हें अलाइन करने के लिए। देन इसके बाद हमारी अगली प्रॉपर्टी जो है वो है स्पेस बिटवीन। तो हम लिखेंगे नहीं स्पेस बिटवीन, इसका पार्ट नहीं है, हम इसका स्पेस बिटवीन इसकी टेक्स्ट में देखेंगे, ये टेक्स्ट रिलेटेड है। देन इसका अलाइनमेंट होता है स्पेस अराउंड का, तो हम इसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हमारे। देन यहाँ पर हम देखते हैं तो ये हमारा जस्टिफाई कंटेंट है, तो जस्टिफाई कंटेंट में इन सभी सेक्शनों को हम इसमें डिस्कस करेंगे जो हम इसके साथ यूज़ करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट, तो हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कंटेंट कंटेंट। देन यहाँ पर हम पहली प्रॉपर्टी यूज करेंगे स्पेस बिटवीन बिटवीन, देन सेव। इसका अगर हम आउटपुट देखें तो यहाँ पर स्पेस बिटवीन आ चुकी होगी, सभी के बीच में स्पेस आएगी। तो आप देखिए ये तीन थे तो तीनों के बीच में बराबर जैसे स्पेस आ चुकी है, इसे बोलते हैं स्पेस बिटवीन। देन इसके बाद हम देखेंगे स्पेस अराउंड, तो यहाँ पर अगर लिखते हैं हम स्पेस अराउंड, देन स्पेस अराउंड देखेंगे तो इनके दोनों तरफ बराबर जैसे स्पेस आएगी सभी जगहों से। तो स्पेस अराउंड में आप देख पा रहे हैं इसके दोनों तरफ बराबरी से स्पेस आ चुकी है, तो ये होती है स्पेस अराउंड। देन ये अभी कॉलम्स है, देन हम इसे कर देंगे रो, तो ये रो में भी अरेंज हो जाएगी इसी तरीके से। देन ये देखिए यहाँ पर ये विजिबल हो रहे हैं। देन अगर इसे हम कर देते हैं रिवर्स एंड अभी हम इस पर ही अप्लाई करते हैं, इसे रिवर्स के लिए बॉटम से आ जाएंगे, तो अभी हम इसे टॉप पर ही रखेंगे।
देन ये देखिए यहाँ पर ये इसके बॉक्स आ रहे हैं। देन अगर आप इसकी विड्थ हाइट कम ज़्यादा करेंगे तो ये इसके अकॉर्डिंग मैनेज हो जाएगी, जो स्पेस है ये इसकी विड्थ हाइट के अकॉर्डिंग मैनेज हो जाएगी। देन इसके बाद हमारी है फ्लेक्स स्टार्ट देन फ्लेक्स एंड। तो डिफ़ॉल्ट ये फ्लेक्स स्टार्ट से ही होता है। अगर हम देखें फ्लेक्स स्टार्ट देन सेव, ये रो कॉलम के केस में अलग अलग बिहेवियर इनके। अगर रो के केस में है तो उसका इस तरह से होगा, देन अगर कॉलम है तो इस तरह से बिहेवियर होगा। देन देखिए रो स्टार्ट में यहाँ से आ रहा है एंड फ्लेक्स स्टार्ट में। देन अगर हम इसे एंड करते हैं तो ये राइट साइड से आएगा, जो हमारा डेटा है वो एंड से आएगा। ये देखिए ये आ रहा है इसके राइट साइड से। लेकिन अगर हम इसे कॉलम वाइज करते हैं तो यहाँ पर हम लिखते हैं इसे कॉलम देन सेव, देन इसका हम आउटपुट देखें तो अब ये इस तरह से दिखेगा हमें वर्टिकली। ये देखिए बॉटम साइड से आ रहा है। देन अगर हम इसे स्टार्ट कर देंगे तो ये टॉप से हमें शुरू होगा। ये देखिए यहाँ से टॉप से आ रहा है। तो फ्रेंड्स ये थे इसके बेसिक फ्लेक्स। क्या आप इसमें फ्लेक्स में का यूज़ करते हुए व्यू को किस तरह से अलाइन कर सकते हैं और अपनी जो एपी उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।